जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो सबसे कम निवेश में सबसे ज्यादा जीविकाएं क्रिएट कर सकता है, तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंटरनेशनल ऑडियंस हियर आई वेलकम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड फॉर थैंक हिम फॉर हिज विजनरी पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द स्टेट वेयर एज टूरिज्म इज रीचिंग न्यूअर हाइट्स इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. And with that, now I request Mr. L.K. Jhunjhunwala, past chairman FICCI and UP State Council, to address the gathering. Thank you. आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अवनीश जी, प्रणब सरकार जी, एसके जायसवाल जी, जितेंद्र कुमार जी, आज बहुत खुशी का दिन है कि हम पांचवी साल में प्रवेश कर रहे हैं. ये हमारा पांचवा साल है जब हम ट्रैवल मार्ट का हड़ताल लगाते हैं. मुझे इस बात से पांचवें साल के अंदर हम खाली बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ है वो हर साल उत्तरोत्तर बढ़ती रही है. अब की 38 लाख विदेशी हमारे यहाँ टूरिज्म के लिए आए थे. यूपी ने 28 करोड़ रुपया इस साल अर्जित किया है जबकि पिछले साल 23 करोड़ था, तो यह 21% हम लोगों की बढ़ोतरी है. फॉरेन 10 मिलियन लोग आए हैं इस समय पूरे भारत में, जिसमें तीसरा नंबर हमारे उत्तर प्रदेश का है. मेरी समझ में अभी उत्तर प्रदेश में संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं. अगर इसको ठीक से परिभाषित किया जाए तो मैं समझता हूँ कि विदेशी टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है. इंटरनल देश का टूरिज्म भी यहाँ बहुत बढ़ सकता है. यहाँ जो आवश्यकता है बहुत ज़्यादा है, वो होटलों की, सफाई की और जो जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके रखरखाव की. मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर उसको PPP मॉडल के ऊपर सब जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको PPP मॉडल पे अगर डेवलप किया जाएगा तो पार्टनर बाहर से भी कोलैबोरेशन लेकर के आ सकते हैं. और मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं. मैं इस ट्रैवल मार्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. धन्यवाद. हमारे साथ वी हैव अ गेस्ट फ्रॉम ताइवान, मिस्टर विक्टर. माननीय मुख्यमंत्री जी, मिस्टर विक्टर जो हैं वो एशियन इको टूरिज्म नेटवर्क के प्रेसिडेंट हैं और एशियन बर्ड फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं. मैम, मिस्टर विक्टर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन स्टेज. ही इज कैरिंग अ स्मॉल, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं ताइवान से और वो आपको भेंट देना चाहते हैं. मिस्टर विक्टर, थोड़ा सा मैं और आपको ब्रीफ करूंगा. तो एशियन बर्ड फेयर एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कब सियोल में हुआ, ताइवान में हुआ, चाइना में हुआ. अब इसको जो है हम उत्तर इंडिया और शायद उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश करेंगे. तो सर, आगे चल के इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे. फिलहाल मैं मिस्टर विक्टर, कुड यू जस्ट से अ फ्यू वर्ड्स प्लीज. चीफ मिनिस्टर, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट and ladies and gentlemen, on behalf of Asian Bird Fair and my organization, Ecotourism Taiwan, it's my great honor to be here. We created Asian Bird Fair 10 years ago for our Asian partners, networking all the wildlife conservation NGOs and tour companies. It's the 10th year this year, and it'll be held in Kuching, Sarawak, Malaysia. And next year we'll be in Siem Reap, Cambodia. And well, you can find more information here. This is my website. But I hope you did shoot me in the back with your camera. ABF is not only an event. It's a party. It's a fun party for all. So you're welcome to join us. And thank you very much. It's, again, my honor
to be invited here. Thank you very much. Thank you, Victor. We'll surely take up the offer and try and bring the Asian Bird Fair to the state of Uttar Pradesh. May I now request Mr. Pranab Sarkar, President, Indian Association of Tour Operators, to say a few words, please. Thank you. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय यात्रा पर्यटन संस्थान की तरफ से आपका हम सादिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं प्रणाम बाकी उपस्थित जन श्री एल के झुंझुनवाला जी श्री एस के जायसवाल श्री जितेंद्र कुमार जी मानव मजुमदार जी एंड मिस्टर झुंझुनवाला आप सबको भारतीय पर्यटक संस्था की तरफ से प्रणाम हमें काफ़ी हर्ष हो रहा है कि आपने देश विदेश के सभी यात्रा परिचालकों को जो यहाँ पे एकत्र किया है और इनका खरीद व बेचने के लिए जो कार्यक्रम रखा है ये काफ़ी प्रभावशाली उपयोग होगा और इससे काफ़ी पर्यटन को इस प्रदेश पे बढ़ावा मिलेगा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को मैं बधाई देना चाहता हूँ ऐसे सुंदर व्यवस्था के लिए और सबको एकत्रित करके एक पर्यटन प्रचार का जो आपने कार्यक्रम रखा है वो काफ़ी सराहनीय है आपके इन सब व्यवसायी कामों के बाद आप जब इन पर्यटकों को हमारे उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर यात्रा कार्यक्रमों द्वारा उनको नई जगहों की जो ज्ञान देंगे उससे वो प्रभावित होकर भविष्य में अनेक अनेक नए पर्यटकों को आपके उत्तर प्रदेश में भेजेंगे जिससे आपको काफ़ी विदेशी मुद्रा अथवा देशी मुद्राओं का लाभ होगा माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अनुमति हो तो मैं तीन विषय पे आपकी सहायता मांगूंगा जिसका कि टूरिज्म के उद्योग में काफ़ी ज़रूरत है आज के दिन में क्योंकि टूरिज्म एक आर्थिक गतिविधि है किंतु हमारे देश में इसको विलासिता की गतिविधि मानते हुए सबसे अधिक ये टैक्स जिसको कि वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया है दुनिया में सबसे अधिक माना जाता है क्योंकि अगर होटल में 18% और 33% टैक्स होता है तो हमारे पर्यटन उद्योग में हमारे व्यवसाय में 5% और जोड़ के उसको 33% हो जाता है और 23% हो जाता है जिस वजह से हमारा जो हम लोग जो कार्यक्रम बाहर बेचते हैं वो काफ़ी महंगा होता है हमारे पड़ोसी देशों के साथ अगर हम इसको तुलना करें तो वहाँ पे हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं जिस वजह से काफ़ी पर्यटक हमारे पड़ोसी देशों में चले जाते हैं हम चाहेंगे कि आपके वित्त मंत्रालय से अनुरोध करें कि सेवा कर को कम करके हम पड़ोसी देशों के बराबर आ जाए जहाँ पे 6-8% होता है तो कम से कम हमारे देश में 12% किया जाए दूसरी है बात कि जैसे जैसे हमारे देश में वीज़ा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो उन्होंने शुरू किया तो हमारे पड़ोसी देश भी उसी के मुकाबले में कम समय में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा देना शुरू कर दिए और हमारे देश के वीज़ा के जितने पैसे लेते हैं उसके मुकाबले वो काफ़ी कम पैसे में उनको वीज़ा देते हैं जैसे कि हमारे देश में $80 का वीज़ा फीस है तो हमारे पड़ोसी देश उसको $25-30 में देते हैं और हम चाहेंगे और जो हमारे देश में
सर्दियों में ज़्यादा पर्यटक आते हैं और गर्मियों में कम, इसलिए हम चाहेंगे कि गर्मियों के लिए हमारे देश में टूरिस्ट को वीज़ा फ्री किया जाए, वीज़ा मुक्त किया जाए, और जो सीज़न में हो तो वो उसमें सिर्फ $25 का वीज़ा कर लगाया जाए। इसके अलावा हम चाहेंगे कि जैसा आपको आपने बताया, कई जगहों पे हमने सुना आपको कि पर्यटन उद्योग से करोड़ों नौकरियां उत्पन्न होती है, निजी निवेश होता है, हमारे युवा वर्ग को काफ़ी आसानी से नौकरियां मिल सकती है और व्यवसाय कर सकते हैं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपकी तरफ से पत्र व्यवहार करके इन दोनों उपायों पे आप विशेष ध्यान दें। इसके अलावा एक अति उत्तम भारतीय रेल ने ट्रेन चलाया है जो दिल्ली से वाराणसी जाती है प्रयागराज होते हुए। इसको अगर आप टूंडला में 2 मिनट की रुकने की व्यवस्था करें तो मैं समझता हूँ मथुरा वृंदावन और प्रयागराज होते हुए काशी विश्वनाथ के जो दर्शन होंगे, इससे काफ़ी देसी पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा और विदेशी पर्यटन आगरा से भी उसको कनेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका ये सम्मेलन बहुत अच्छा चले उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत। थैंक यू मिस्टर सरकार। उत्तर प्रदेश, लैंड ऑफ द गैंजीज, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ द ताज, क्यूजीन, कल्चर, फैब्रिक, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब हम लोग तो जानते हैं, पर किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से सुनना चाहेंगे जो कि उत्तर प्रदेश की नहीं है पर उत्तर प्रदेश और लखनऊ कई बार आ चुकी हैं। फिलिपा, मे आई रिक्वेस्ट यू टू बी ऑन स्टेज एंड से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट लखनऊ। Thank you. Chief Minister, honoured guests, delegates of UPTM. For me, Uttar Pradesh is a state that I think is very much underrated. I think an awful lot of people have heard about Agra, an awful lot of people hear about Varanasi. I'm very lucky in that I spend most of my time in India. And over the last 4 years, I've spent a lot of time exploring Uttar Pradesh. I've been to Chambal and explored Bateshwar, Allahabad, Dudhwa for wildlife. It's a state that really has an awful lot. I'm also a great believer that most people come to India who want to see the Taj Mahal, and then I think UP loses out an awful lot for people who then go on to the classic golden triangle of Delhi, Agra, Jaipur. Now, I've been advocating for the last few years that this should be changed, and I think the new golden triangle should be promoted as Delhi, Agra, Lucknow. Lucknow is an extraordinary city, and while you're here, if you have the time, you really must get out and explore. They say it's the city of three C's. You know, it's got craft, it's got culture, and it's got cuisine. Now, I can vouch for the cuisine, because I have to admit that after the event last night, I went out and had some street food. It's my fourth time in Lucknow, and I can't resist going out and trying the street food. But the buildings here, the architecture is extraordinary. You know, the Bara Imambara is one of the most impressive buildings you will see in the whole of India. You know, and go up and explore the labyrinth, take a guide with you so you don't get lost. There's the Chota Imambara, there's the Rumi Gate, there's the residency, you know, for all the British history that we have here as well. It really is, in terms of architecture, a wonder to go out and behold. But on top of that, there's the crafts that are here. You know, that you have the chikan work, the beautiful embroidery work that you see on many, many of the kurtas. There's also a whole perfume industry here for the traditional perfumes that are of the oil-based scents. And you can literally get scents from jasmine to biryani. Okay. So another thing to be explored. And then finally, the street food. Okay. The street food here, I know a few of you
follow my own heart, as you can see, in exploring street food around India. But in Lucknow, again, it's one of the things that really should be explored. So for me, I strongly advocate promoting an alternative golden triangle. Delhi, Agra, Lucknow should be the way forward. Thank you. Thank you, Philippa. Delhi, Agra, Lucknow may be extended to Varanasi, and we have a full holiday for you in Uttar Pradesh. May I now request Mr. S.K. Jaiswal, President of Uttar Pradesh Hotel and Restaurant Association, to come and say a few words, please, sir. Honorable Chief Minister Shri Yogi Adinath Ji, Shri Avanish Awasthi Ji, Additional Chief Secretary Home, Shri O.P. Singh Ji, Director General Police, Shri Jitendra Kumar, Additional Chief Secretary Tourism and DG Tourism, Mr. Shivpal Singh, Managing Director UP State Development Corporation Limited and Special Secretary Tourism, Mr. Pranab Sarkar, President Indian Association of Tour Operators, Mr. L.K. Junjunwala, past Chairman FICCI UP State Council, Mr. Manam Majumdar, Deputy Secretary General FICCI, Mr. Amit Gupta, Head UP State FICCI, and Preeti Srivastavji, Deputy Director UP Tourism. The Travel Mart started in 2015. The first Travel Mart was held in Lamartine Ground. Second was at the back of the Taj Mahal. Third was at Indira Gandhi Pratishthan. Fourth was at Ramada Hotel in Lucknow Convention Center. And today we are in the fifth of the Travel Mart. सबसे पहले तो हम आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल इलाहाबाद में थे और शायद आज वो देश से बाहर जा रहे हैं, जो आज की पेपर न्यूज़ की जानकारी है. तो सबसे पहले आप से निवेदन करेंगे कि ताड़ियों से उनका, जोरदार ताड़ियों से उनका स्वागत करिए. हमारे पर्यटन विभाग को भी माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल देख रहे हैं, इसलिए पर्यटन से उनको, उनका कितना लगाव है ये आप स्वयं खुद समझ सकते हैं. अ स्मॉल मैसेज इज देयर, सो आई बिकॉज देयर आर इलाइट गैदरिंग फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, आई लाइक टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश ऑल्सो. On behalf of Federation of Hotel Restaurant Association of India, Hotel Restaurant Association of Northern India, and UP Hotel and Restaurant Association, it is my distinct honor and privilege to address this elite gathering assembled here at the Uttar Pradesh Travel Mart. It is a great matter of pride for the UP and also for Lucknow to witness the fifth edition of Travel Mart. In fact, we are privileged to showcase the culture, cuisine, and heritage of our city. Lucknow has been claiming for its position in UNESCO, and very recently we have been sending our literature and all that on cuisine basis to get it recognized in UNESCO. I hope with Awasthi ji, with all your help, we can get a label there, then definitely UP and Lucknow will flourish in tourism like anything. UP Travel Mart has grown from strength to strength. The event brings together all travel professionals to facilitate the trade of hospitality, inbound, outbound, and domestic tourism. It will showcase a variety of destinations from different spheres, such as pilgrimages, adventures, culture, and heritage, and many more. Service providers and buyers specifically selected for the UPTM, combined with highly professional organization, makes the UPTM a key event in its own right. The exhibition of UP Travel Mart provides numerous opportunities for the industry players to advertise and explore their products and destinations in the tourism and hospitality sector. Friend, Travel Mart proved to be an opportunity for the hospitality and travel track to meet, network, negotiate, and conduct business. It aims at providing the attendees with an immersive multi-sensory experience that they will cherish forever and a platform to interact with customers individually. For our foreigner buyers, we like to just stress and showcase you that in UP there are at least 11 tourism circuits.
First is the Ramayan circuit. Second is the Krishna Bridge circuit, the Buddhist circuit, the wildlife and ecotourism circuit, the Bundelkhand circuit, Mahabharat circuit, the Shakti Beat circuit, the Adhyatmic circuit, Sufi Kabir circuit, the Jain circuit. These are the 10 circuits which are being developed under the very able leadership of our most popular Chief Minister throughout India. Besides this, for your knowledge, we are also holding certain festivals and mahotsav in UP. That is known as Ayodhya Dipotsav. You must be seeing in the TVs and all that. Last year in Deepavali, our Honorable Chief Minister, the Deepavali was celebrated as if Ramchandra ji, our Bhagwan, has himself arrived there. Let us give a very big hand again. Rangotsav Barsana, Dev Deepavali Varanasi, Lucknow Mohotsav, Gorakhpur Mohotsav, Bundela Mohotsav, Buddha Mohotsav, Ayurveda Mohotsav, Ganga Fair, Kumbh Mela, Dev Mela, Kartik Purnima and Ramayan Mela. आप सभी लोगों ने यह भी देखा होगा कि कुंभ में पूरे वर्ल्ड की तरफ उनकी निगाहें हमारी तरफ आ गई, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ. कुंभ में जैसा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है और जैसा वहां पर ट्रैफिक आया है, द एंटायर स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड अवनीश अवस्थी जी, आपको हमारी इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी, पूरे भारतवर्ष की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं. I am fully confident that this mart will prove to be a turning point in terms of tourism and hospitality relations and open up the opportunities for us at all level. To conclude, I would like to congratulate the organizers, especially FICCI and UP State Tourism Department, who have been extremely successful for organizing the same whiz in attracting new exhibitors to keep the event interesting every year. I wish you all a meaningful session through interactions and networking during 2 days. In the last, with your permission, sir, Honorable Chief Minister, in about a year before, we were really obliged when you declared our industry, hospitality industry, as an industry. But somehow there are some difficulties by which it has not been officially गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस या नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है. हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है, पूरे भारतवर्ष ने उत्तर प्रदेश की तरफ इस तस्वीर को देखा था कि आपने पहले ही इंडस्ट्री इसको घोषित किया है. आप इसमें कोई कुछ दिक्कतें अगर हो माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इसको दूर करा दीजिए. पूरी फ्रेटर्निटी आपकी ओर से देख रही है. हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें लैंड भी नहीं चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री डिक्लेरेशन होने से हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने की, जो जिसमें फाइनेंस और इसके लिए दिक्कतें आ रही हैं, वो बहुत बहुत दूर हो जाएगी. ये हमारा आपसे विनम्र प्रार्थना है. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. मे आई रिक्वेस्ट मिस्टर जितेंद्र कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल टूरिज्म, टू से टू डिलीवर द कीनोट एड्रेस. थैंक यू. माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री एल के झुंझुनवाले जी, मिस्टर प्रणव सरकार जी, मिस्टर एस के जायसवाल जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड होम लुकिंग आफ्टर श्री अवनीश अवस्थी जी, डीजी पुलिस ओपी सिंह जी, मानव मजूबदार जी एंड डिस्टिंग्विश गेस्ट हु हैज़ कम हियर इन लखनऊ टू पार्टिसिपेट इन दिस ट्रैवल मार्ट. You are welcome in this UP Travel Mart. पर्यटन उद्योग के बहुआयामी महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट के आयोजन को शीर्ष प्राथमिकता दी जा रही, ताकि प्रदेश में प्रभावी पर्यटन की संस्कृति विकसित हो सके और प्रदेश के पर्यटन आकर्षणों और पर्यटन संभावनाओं के प्रति अधिकाधिक लोग जागरूक हों. यहाँ पर्यटकों के आवागमन में अभिवृद्धि होने के साथ साथ प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रोजगार, प्रदूषण रहित वातावरण का सृजन होता है. इसका सारा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कुंभ में
पिछली बार फोकस करके सारे विभागों का की एनर्जी को एक जगह से एनर्जाइज किया, जिस तरह से अयोध्या में दीपोत्सव को किया और जिस तरह से कल प्रयागराज में एक साथ अधिकतम पौधों को बांट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और 22 करोड़ से अधिक पौधे कल लगाए गए हैं। यह अपने आप में एक अद्वितीय है और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के ऊर्जा को और भी अधिक प्रेरित करके हम सबको हमेशा नया कुछ नया करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अयोध्या में उस स्थल का स्वयं जा करके दौरा किया जहाँ पे कि भगवान राम जी की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लगाए जाने का प्रस्ताव है, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अभी आपसे बताएंगे। उत्तर प्रदेश संभवतः ऐसा अकेला प्रदेश है जहाँ पे पर्यटकों को एक साथ 3-3 वर्ल्ड हेरिटेज एक जगह पे देखने को मिलता है। आगरा में ताजमहल, ऐतिहासिक किला और फतेहपुर सीकरी, और आगरा से थोड़ा आगे बढ़े तो मथुरा और वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीलाओं के साक्षी रहे गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वहाँ पे मथुरा और ब्रज की पूरी संस्कृति की झांकी देखने को मिलती है। और इस बार उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग मिल करके यह प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले जन्माष्टमी में हम फिर से जिस तरह से अयोध्या में रामलीला को अद्वितीय बनाया हमने, उसी तरह से जन्माष्टमी के शो को अद्वितीय बनाया जाए ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये कैनवास पे दिखाई पड़े। पूरब में हम जब जाएं तो वाराणसी संस्कृति से परिचित कराने वाली घाटों, मंदिरों और शिक्षा के प्रख्यात नगरी है। देव दीपावली, रामनगर की अनूठी रामलीला इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। वाराणसी के समीप ही विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, बौद्ध केंद्र सारनाथ, ऐतिहासिक चुनार फोर्ट, सोनभद्र अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए और फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। जौनपुर और भदोही कारपेट इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड नोन है। देवा शरीफ, अयोध्या, फैजाबाद, नैमिसारण, बिठूर, कानपुर, इन सभी स्थानों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है जहाँ पे कि नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट आते रहे हैं। बुद्धिस्ट सर्किट में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कपिल वस्तु जहाँ पे भगवान बुद्ध का बालकाल व्यतीत हुआ था, सारनाथ जहाँ ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला संदेश दिया था, और श्रावस्ती जहाँ पे कि उन्होंने अपने जीवन के 27 साल बिताए थे, 27 ईयर्स, और ये सभी उत्तर प्रदेश में हैं जो कि पूरे दुनिया के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। संकिसा जहाँ उन्होंने चमत्कारी शक्ति का प्रदर्शन किया था, और कौसाम्बी जहाँ ज्ञान प्राप्ति के 6वें और 9वें वर्ष में पधारे थे, कुशीनगर जहाँ उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, पूरा का पूरा बुद्धिस्ट सर्किट उत्तर प्रदेश में है जिसे कि एक्सप्लोर किए जाने के लिए काफ़ी प्रयास की ज़रूरत है और हम इस दिशा में कार्यरत हैं। इसी प्रकार गंगा यमुना के किनारे बसा प्रयागराज जहाँ पे कुंभ आप सभी ने देखा, उत्तर प्रदेश धरोहर का हेरिटेज का भी प्रदेश है। यहाँ बुंदेलखंड की धरती पे झांसी, बरुआ सागर, महोबा, ललितपुर, देवगढ़, चित्रकूट, कलिंजर जैसे वर्ल्ड फेमस फोर्ट हैं। इन सभी फोर्ट को बैकग्राउंड में लेकर के हम वहाँ पे उनके हेरिटेज को, वहाँ उनके कल्चर को हाईलाइट कर सकते हैं। एंड वी कैन एक्सप्लोर दोज थिंग्स। इफ यू गो इन द वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, देन इन दैट सेक्टर दुधवा नेशनल फॉरेस्ट, कतरनिया घाट, किशनपुर, लाख बहोसी, सांडी, नवाबगंज, समसपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर, चंद्रप्रभा, कैमूर, इस तरह के बहुत सारे रेंज हैं, बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे कि हम इको टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपने बजट भाषण में इस बात पे विशेष जोर दिया है कि सर्विस सेक्टर को प्रमोट किया जाए, और इसके लिए चैंपियन सर्विस सेक्टर की एक नई स्कीम बजट में अनाउंस की गई है। एंड फॉर दैट 5,000 करोड़ रुपीज किटी हैज बीन क्रिएटेड। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से कहा है कि हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में हम टूरिज्म इंडस्ट्री से मैक्सिमम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और फॉर दैट पर्पस दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। टूरिज्म में विदेशी पर्यटकों द्वारा यूपी में स्थानीय प्रवास संबंधी सेवाओं को इंस्टीट्यूशनल फ्रेम देने के लिए हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे अंडर दिस चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम। बौद्ध सर्किट, चैन सर्किट, रामायण सर्किट, इन सभी सर्किट को डेवलप करने का प्रपोजल तैयार हो रहा है। एंड द टॉप मोस्ट इज द मेडिकल टूरिज्म ऑल्सो, द योगा टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म,
एंड द लाइफस्टाइल टूरिज्म, लाइफस्टाइल डेवलपमेंट, इन सभी फैक्टर्स सेक्टर पे अभी हम लोग काम करेंगे। आप में से बहुत सारे वक्ताओं ने अभी लखनऊ की तहजीब, कल्चर, क्यूजीन और क्राफ्ट के बारे में भी अभी बात हुई। आई विल लाइक टू टेल यू दैट उत्तर प्रदेश में वाराणसी पहले से यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के मैप पे आर्ट को ले, कल्चर को लेकर के है, जिसमें म्यूजिक की वजह से वो है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के मैप पे लाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने मिलकर के गैस्ट्रोनॉमी क्यूजीन में, जो एक यहाँ की अवधि क्यूजीन एक परंपरा रही है जो वर्ल्ड नोन है, उसके प्रोजेक्ट को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी को भेजा है। एंड वी होप दैट वेरी सून दिस अवधि क्यूजीन विल बी ऑन द चार्टर ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम रहते हुए भी उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमारे बीच इतना समय देने का अवसर प्रदान किया है। अब सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर। क्यूजीन की बात हुई है तो वेरी ब्रीफली आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर गोयल हु रन्स द इंडिया फूड ट्रेल्स एंड टू गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स ऑफ द क्यूजीन इन उत्तर प्रदेश। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम राजीव गोयल है। सबसे पहले मैं सारे अतिथिगण और माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार करता हूँ और अवनीश जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मेरी बात कहने का मौका इस पोडियम के माध्यम से दिया गया है। मैं यंगेस्ट कह सकते हैं कि एक ट्रैवल एजेंट हूँ और आज से 9 साल पहले मैंने एक कंपनी शुरू करी जिसका नाम है इंडिया फूड टूर। तो मेरी नज़र में सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि जब आप किसी शहर में जाते हैं या 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या किसी कंट्री में जाते हैं, तो हो सकता है कि आप 2 दिन किसी मॉन्यूमेंट को देखें, 3 दिन किसी और चीज़ को देखें, बट 5 दिन के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा करने वाली चीज़ टूरिज़्म में कौन सी है तो उस सब्जेक्ट पे काम करा जाए। तो 5 दिन के कार्यकाल में आप कम से कम 15 बार खाना खाते हैं और मुझे लगा कि इस नज़रिए को बदलना ज़रूरी है कि भारत एक ऐसी देश है बाकी देशों के मुकाबले जहाँ पर हिस्ट्री को खाया जा सकता है, हमारे कल्चर को अपने खाने की थाली के तौर पर रंग के रूप में दिखाया जा सकता है। आज जिस तरीके की पूरे दुनिया में एक पहल चल रही है कि वेजिटेरियन हो जाओ, अपने प्लानेट के ऊपर कम जोर डालो, मीट या वेजिटेरियनिज्म को बढ़ाने का एक मुहिम चल रही है जहां लोग समझ पा रहे हैं कि खाने में मसालों का महत्व क्या है, वो हमारे में सालों से इतिहास में दर्ज है, बस ज़रूरत है उसको सही मायने में एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाकर दुनिया को दिखाने की। और मुझे लगता है कि अगर हम इस मुहिम को ढंग से दिखा या बता पाएं पूरी दुनिया को, तो आने वाले कुछ सालों में भारतीय खाना पूरी दुनिया पर एक अपना राज कर सकता है। दूसरा, इसके जो हेल्थ बेनिफिट है या इसका एक रंग है या दर्शाने का तरीका है वो अपने आप में बहुत विभिन्न है। सो इंडिया फूड टूर में एक कंपनी चलाता हूँ जिसमें मैं स्ट्रीट फूड को बहुत महत्व देता हूँ क्योंकि ये लोकल इकोनॉमी को इंस्टेंटली कनेक्ट करता है आने वाले सैलानी से। सो आप मानिए कि जो बीच में और जितने माध्यम हैं, होटल है, ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, बट व्हाट इज अ बेनिफिट टू अ लोकल इकोनॉमी। सो फॉर मी स्ट्रीट फूड कनेक्शन फॉर अ ट्रैवलर इज अ इंस्टेंट बेनिफिट टू द लोकल इकोनॉमी। प्लस हमारे लोकल स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी उस बात की महत्ता, सफाई की या अपने खाने में इम्प्रूवमेंट करने की शैली को थोड़ा बढ़ावा देते हैं कि वो इंस्टेंटली इंटरनेशनल हो रहे हैं। सो पिछले 9 सालों में मैंने इसको दिल्ली में बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करा और बहुत चेंजेस देखे हैं और इस बार उत्तर प्रदेश पर्यटन मार्ट के तहत हम कोशिश करेंगे कि इसको उत्तर प्रदेश में भी बढ़ावा दें। आगरा में हम पहले ही इस चीज़ को चला रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल है। पिछले साल हम मतलब एक बहुत ही ऊंचा नंबर और सिर्फ खाने के लिए आने वाले ट्रैवलर्स का बना पाए हैं भारत में और उम्मीद करते हैं सहयोग से हम इस कलनरी टूरिज्म को बढ़ावा दे पाएंगे जिससे कि सारे चारों आयामों में हम अपनी ग्रोथ कर पाएं। इसी के तौर पर मैं अपना ये बात खत्म करूंगा और मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि इस बारे में थोड़ा जोर दीजिए क्योंकि कलनरी टूरिज्म ऊंचे से लेकर नीचे तले तक सबसे कनेक्ट होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस। टूरिज्म से लाइवलीहुड, आजीविका जुड़ी है टूरिज्म से। एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट श्री ओपी सिंह जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश,
Policing plays a very important role in management of tourism in the state, and I'm sure he'll be able to reassure you that India and Uttar Pradesh in particular is absolutely safe for international and national tourists. Thank you so much, sir. Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji, our distinguished guest sitting on the dais, distinguished international audience, delegates from outside, delegates from other parts of the country, dear friends. It's indeed a privilege for me to be invited here as a guest for this fifth edition of the Travel Mart 2019. I congratulate all of you, particularly the people who are organizing this, that they have chosen this venue as one of the finest exercise. UP provides a beautiful landscape to all the international and domestic audience. It's now getting mapped on the international scene, and we've shown it in Kumbh Mela, how flawlessly we executed it, how meticulously we planned it, and how comprehensively we exercised everything. And all thanks go to our leadership, the Chief Minister of the state. He is such a micromanager that not only in travel, not only in tourism, not only in police, in every sphere of life, he makes it a point to see it so in such a micromanaged policy that nothing is left untouched. There has been a nexus between the criminals, tourism, police, and everything for the last so many years. The people would recall, those who are living in UP, that barely 6-7 years back, nobody would like to visit this state. I, as a police officer, have seen many occasions where the people from outside, they dreaded to come to this state. And that is how the whole industry suffered. But look at the change that has been witnessed in the recent past. There has been a total upsurge, not only in the tourism, but in every sphere of life. Very recently, about a year back, we conducted first ever investor summit, which went off so successfully. Then we had two groundbreaking ceremonies, which inculcated a sense of confidence amongst the industrialists, amongst the businessmen. And the other day, I was talking to one of the filmmakers. He said that we have chosen UP as one of the finest destinations so far as the shooting of the films are concerned. And what he said was that it's not the taxation rebate, it's the cultural sensibility which the people accept. The people are so hospitable, people from UP are so hospitable to our guests, to our international audience, to our international delegates, that it strikes a very cordial, very emotional response between both the parties. I, as a police officer and chief of the state, I can assure you, I can assure all the travelers coming from all parts of the world, that you can just enjoy here. You will be perfectly safe and sound. There'll be no trouble. And we have taken into this exercise that whosoever visits UP, whether he's visiting Taj Mahal in Agra, whether he's visiting Kumbh Mela in Prayagraj, or he's going to Varanasi, the first and the foremost duty of the policeman is to make him safe and sound. And that is why whenever such incidents took place, we take it to ourselves that things are worked out in such a smooth manner. I can give you a number of examples, whether foreigners, whether tourists from outside, they have been helped by the policemen, by the policewomen, and they have appreciated it like anything. The other thing that I could like to tell you, that we have advanced technologically as well. Being the largest police force in the world, it's not easy to face the challenges. We have enormous challenges, and these challenges are being met from all sectors. And you can imagine our chief minister is so innovative, so tech savvy, that he promotes such kind of things. The response time of the police forces, that has decreased. And there has been so many things. For example, the social media aspect of the policing. We have started an NRI social media platform. And we have appointed some of the coordinators in UK, in USA, and other countries. And by click of the mouse, they can narrate their experiences, and we immediately swing into action. This is something which is ready as a reckoner on the platform for all the tourists from outside. And whenever they come to India, and whenever they are visiting our state, it is so easy to connect, so easy to approach the policemen.
and so easy to narrate your experiences if you have any, or if you have any woes or trials and tribulations. So I can assure you, and we are going to make Tourist Police as one of the landmarks in coming years, whether it's in Agra, whether it's in Prayagraj, or whether it's in Varanasi. But in nutshell, I can say that I can assure you, all the international delegates, all the travelers, all the tourist operators, that this is the finest destination you can look for in the near future. Thank you so much. Thank you so much, sir. That's very, very reassuring for the national and the international fraternity. माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एक चीज मैं लाना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में फिक्की के हवाले से जो हमारे पास डेटा है, करीब 5000 से 7000 करोड़ का प्राइवेट निवेश सिर्फ टूरिज्म सेक्टर में आया है और ऑलमोस्ट जो है 10000 से 20000 के बीच में हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट हुए हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट जैसे महोत्सव को आगे बढ़ावा दिया जाए और आने वर्षों वाले वर्षों में इसको और बड़े स्केल पे अगर आप करने का आदेश देंगे तो हम सब लोग उससे बहुत लाभान्वित होंगे। और मैं इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके हम लोगों को बोल। उत्तर प्रदेश ट्रेवल मार्ट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष श्री प्रणव सरकार जी, फिक्की यूपी स्टेट काउंसिल के पूर्व चेयरमैन श्री एल के झुनझुनवाला जी, फिक्की के उप महासचिव श्री पनम मनब मजुमदार जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री ओपे सिंह जी, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री जितेंद्र कुमार जी, उत्तर प्रदेश होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एस के जायसवाल जी, उपस्थित टूर ऑपरेटर्स, पत्रकार मित्रों और अन्य महानुभाव, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ट्रेवल मार्ट 2019 के इस आयोजन के लिए एक बार पुनः प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 1.5 दर्जन से अधिक देशों के 50 से अधिक ट्रेवल मार्ट, इसमें टूर ऑपरेटर्स इस मीट में यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि टूर ऑपरेटर्स की जो भूमिका है वह पर्यटन और पर्यटकों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की होती है। अपनी उस भूमिका की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो पर्यटन विकास की अनेक संभावनाओं को अपने साथ समेटे हुए है, आप जैसे टूर ऑपरेटर्स की एक बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। खासतौर पर पर्यटन की जितनी अपार संभावनाएं हमारे पास हैं, चाहे वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, हेरिटेज टूरिज्म का हो, इको या वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का हो, इतनी अपार संभावनाएं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे पास मौजूद है। भारत सरकार बौद्ध सर्किट के लिए जिस कार्य योजना को कार्यान्वित की है उसका सबसे बड़ा केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है बौद्ध टूरिज्म का। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 6 महत्वपूर्ण स्थल सारनाथ, कुशीनगर,
कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौसाम्बी और संकिसा ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। जैनी टूरिज्म में अगर आप देखेंगे तो चौबीस तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों के जो भूमि रही है वो उत्तर प्रदेश रही है। आध्यात्मिक सर्किट के लिए भी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। रामायण सर्किट, भगवान राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश अयोध्या में, उन्होंने वनवास के समय में सर्वाधिक समय जिस स्थल पर व्यतीत किया था चित्रकूट, वह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को जनकपुर से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग पर कार्य तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है, तथा राम वनगमन मार्ग पर भी कार्य भारत सरकार के सहयोग से तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। प्रदेश के अंदर चाहे स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आप देखें, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, चित्रकूट है, नैमिषारण्य है, शुक्र तीर्थ है, विंध्यवासिनी धाम है, देवीपाटन धाम है, ये सभी यहां पर उत्तर प्रदेश में पहले से मौजूद हैं और लाखों की संख्या में पर्यटक या श्रद्धालुजन इन क्षेत्रों में आता है। उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उसको किस रूप में हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसके लिए किस प्रकार का एक सुरक्षित वातावरण देने के साथ साथ बेहतर सुविधाएं हम दे सकते हैं, प्रयागराज कुंभ उसका उदाहरण है। मुझे लगता है कि अकेले प्रयागराज कुंभ में 48 दिनों में जितने श्रद्धालु आए थे, आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर किसी भी अन्य आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु या पर्यटक नहीं आए होंगे। अकेले प्रयागराज में 48 दिनों में 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने भागीदारी की थी प्रयागराज कुंभ में। स्वच्छता के लिए, सरकार के द्वारा प्रदत्त सुरक्षा की दृष्टि से और सुव्यवस्था की दृष्टि से प्रयागराज कुंभ ने एक मानक स्थापित किया है। इसके साथ ही इस वर्ष के प्रारंभ में हमें 15वां प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम को भी आयोजित करने का अवसर काशी में प्राप्त हुआ था। प्रदेश के अंदर पर्यटन विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या के साथ दीपोत्सव के साथ जोड़ा। हम लोगों ने बरसाना ब्रज तीर्थ में रंगोत्सव के कार्यक्रम को होली के आयोजन के साथ जोड़ा। दीपावली के 15 दिन के बाद देव दीपावली के आयोजन को काशी के साथ जोड़ा। अलग अलग आयोजनों को अलग अलग तीर्थों के साथ जोड़ने और पर्यटन विकास की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जहां प्रदेश ने अपना कार्य प्रारंभ किया है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अंदर हमने अपने कनेक्टिविटी को भी बहुत बेहतर किया है। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर आज हमारे पास बेहतर कनेक्टिविटी है। एक्सप्रेसवे 2 हमारे पास वर्तमान में है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगस्त 2020 में हम लोग इसे यातायात के लिए खोल देंगे। इसके साथ ही बुंदेलखंड में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से गंगा जी के पैरेलल एक एक्सप्रेसवे प्रयागराज को जोड़ने के लिए भी सरकार बना रही है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, अपने इंटरनेशनल इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर हमने तेजी से आगे बढ़ाया है। तो प्रदेश के अंदर हमारे पास ट्रेन की भी बेहतर सुविधाएं हर एक जनपद को जोड़ने के लिए है। एयर कनेक्टिविटी में आज प्रदेश के अंदर 6 एयरपोर्ट अलग अलग महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ रहे हैं, तो 11 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में हमारा कार्य चल रहा है। और दिल्ली के पास जेवर में हम लोग एक इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण, जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हम उसका निर्माण का कार्य भी
प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर ये अनेक संभावनाएं हैं जो पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन इसमें टूर ऑपरेटर्स की बड़ी भूमिका है। और मुझे प्रसन्नता है कि जहां आज बड़ी संख्या में यहां पे टूर ऑपरेटर्स यहां पर आए हैं, अलग अलग देशों के, लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक देशों से आप सब यहां पर पधारे हैं। वहीं साथ ही साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, फिक्की, ये सब आपके साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि टूरिस्ट अगर कहीं पर आए तो वह आकर के और केवल वहां पर देख करके, घूम करके चला जाए, इससे विकास की संभावनाएं या वहां पे रोजगार की संभावनाएं उतनी नहीं पनपेंगी जितने वहां पर अच्छा होटल बने, अच्छा रेस्टोरेंट बने, वहां पर लोग स्टे करें, वहां की एक एक गतिविधियों के साथ लोग जुड़े, तो वह विकास की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और रोजगार को भी सृजन करने में बड़ी मदद करता है। हमने अपने पर्यटन विकास की जो नई पॉलिसी घोषित की है, इस पॉलिसी के अंतर्गत आगामी 5 वर्ष के दौरान हम लोगों का प्रयास है कि बड़ी मात्रा में होटल और रेस्टोरेंट की एक नई श्रृंखला प्रदेश के अंदर खड़ी हो और उसको हम पर्यटन विकास के साथ जोड़ें। हमारे पास दुधवा नेशनल पार्क भी हमारे पास है और ऐसे अनेक इको टूरिज्म के साथ साथ वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे केंद्र हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। आप सोनभद्र में चले जाइए, आप बुंदेलखंड में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश की इस तराई के क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको अनेक ऐसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे जहां पर टूरिज्म की जो अनेक संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को विकसित करने के साथ साथ हम उसके माध्यम से यहां पर अनेक पर्यटकों को उसके साथ जोड़ने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और टूर ऑपरेटर्स के साथ साथ यहां पर इस पूरे फील्ड में कार्य करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे मेरी एक अपील होगी कि वे स्थानीय नौजवानों को इसके बारे में थोड़ा ट्रेंड करें, अच्छे गाइड इस क्षेत्र में आए, अच्छे लोग पर्यटन विकास की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अगर अपनी मदद करते हैं तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा कार्य इस दिशा में प्रारंभ हो सकता है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म की दिशा से कुछ नए विकास बोर्ड इन क्षेत्रों में विकसित करने की कार्यवाही प्रारंभ की है। हम प्रयागराज कुंभ को कुशलतापूर्वक और दुनिया की एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन करके उसको प्रयागराज कुंभ को बहुत सफलतापूर्वक एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने की एक कार्य योजना उनके सामने प्रस्तुत की थी और उन्हें इस बारे में जिम्मेदारी दी थी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने कुंभ के पूरे आयोजन को संपन्न किया। ऐसे ही मथुरा, वृंदावन के जो हमारे 7 तीर्थ हैं जिसमें मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, गोकुल है, बलदेव है, नंदगांव है, गोवर्धन है, इन सब को हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ जोड़ा है और यहाँ के समेकेतिक विकास की दिशा से हम लोगों ने एक व्यापक कार्य योजना यहाँ लागू की है। वहां पर कार्य हमारे चल रहे हैं। एक तरफ वहां की पुरातन परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करते हुए नए कलेवर के साथ इस क्षेत्र को विकास करना। काशी में हमने काशी विश्वनाथ धाम के रूप में उस क्षेत्र के समग्र विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, लेकिन साथ ही अयोध्या है, विंध्यवासिनी धाम है, चित्रकूट है, नैमिषारण्य है, सुखतीर्थ है, देवीपाटन धाम है, यहां पर भी हम विकास, पर्यटन विकास के महत्वपूर्ण केंद्रों को विकसित करने के लिए हम लोगों ने विकास बोर्ड बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की है और मेरा मानना है कि इसके माध्यम से विकास के अनेक संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित किया जा सकता है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश ट्रेवल मार्ट के द्वारा
टूर ऑपरेटर्स के साथ जो आज ये समिट यहां पर आयोजित की जा रही है, मेरा विश्वास है उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म विकास की जितनी ढेर सारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने में आप सब मददगार होंगे। प्रदेश सरकार ने अपनी टूरिज्म की जो अपनी पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रदेश सरकार आप सबको हर संभव सहयोग करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप सबके इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं बस ज्यादा समय न लेते हुए श्री मानव मजुमदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव गॉट अ वेरी प्लेजेंट ड्यूटी एंड आई एम डिलाइटेड टू बी विथ यू ऑल फॉर प्रपोजिंग वोट ऑफ थैंक्स माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। मैं फिक्की की तरफ से, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से हमारा आभार प्रकट करना चाहता हूँ एंड ऑल द डिग्निटरीज एंड ऑल द टूर ऑपरेटर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल लेडीज फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया।